ई वडियां तेरियां मेरे सतगुर जीओ ई वडियां तेरियां मेरे सतगुर जीओ पीरां दा महापीर तू है फकर अवल फकीर तू है हासा वी तू मीर तू है रूह दा असल शरीर तू है सब पहना दा वीर तू है शुरू वी तू अखीर तू है वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु रुख भी तेरे पत्ते तेरे महले सारे छत्ते तेरे रुख भी तेरे पत्ते तेरे महले सारे छत्ते तेरे फिक्के तेरे रत्ते तेरे रंग सारे कत्ते तेरे तू कण कण विच कण कण तेरा सत ही सुर ने सत्ते तेरे वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु हर तन नु वस्त्र बाणे दिंदा भुल सबना दी जाने दिंदा हर तन नु बस्तर बाणे दिंदा भुल सबना दी जाने दिंदा की गवा तेरी महिमा सतगुर हर एक चुंज नु दाणे दिंदा सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा लगाया हरियाणा पुलिस में भाई उस तरीके से काम करना है इस तरह के काम से लोगों को दिल जीतना आसान होता है और अच्छा होता है एक एक अट्रैक्टिव चीज है। महेश नगर पुलिस थाना के दो पुलिस जवानों का एक वीडियो दो दिन पहले सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था जिसकी हर तरफ जमकर सराहना की गई थी। इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा था कि किस तरह से इन पुलिस के जवानों ने इंसानियत की बड़ी मिसाल कायम की है और खुद इंसानियत की सेवा करते हुए ये नजर आए थे। दोनों पुलिस के जवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात ओमपाल से करेंगे। सर, क्या मन में आया था, किस तरह से वो व्यक्ति जो है आपको मिला था? जैन सर, सुबह में ड्यूटी पे आया तो सुखबीर सर वहाँ भी ड्यूटी के अंदर रूम में थे, तो इन्होंने दो तीन दिन पहले से ही देखो वो तो ढूंढ रहे थे उनको, तो वो मिल नहीं रहे थे। अचानक ही वो एकदम थाने के आगे से गुजरने लगे, तो इन्होंने कहा कि ये मिल गया भाई हो, तो हमने उसको अंदर ले गया थाने में, तो वहाँ से उसको सैनिटाइज किया पहले, फिर अंदर से एक चादर ली, चादर ले के मोटरसाइकिल पे चादर डाल के तो उसको कुछ अपने ऊपर चादर गिरी, कुछ सुबीर भाई ऊपर गिरी जी, गिरने के बावजूद उसको बीच में बिठाया जी, फिर उसको नाई के पास लेके गए, उसकी कटिंग कराई, सेविंग कराई, फिर सैनिटाइज किया उसको वहाँ से जी, फिर थाने लेके आए उसको जी, फिर उसके नाखून काटे जी, फिर उसके ड्रेसेस वगैरह निकाले जी, फिर उसको नहलाया जी। सुखबीर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुखबीर जी, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि आप लोग खुद उनके नाखून काट रहे हैं, फिर आप लोगों ने खाना भी खिलाया। अक्सर पुलिस की इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आती, उसके बाद से क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है? सर, पहले तो नमस्कार सभी को जी, भारतवासियों को। सबसे पहले तो जिस जैसे हम बचपन में मोहरे माता पिता ये सिखाते हैं, कोई ऐसा आया या कोई भी लवारिस है वही उनकी सेवा करनी है। उसके बाद जब हम भर्ती होते हैं ट्रेनिंग में ही हमारे जो बड़े ट्रेनर होते हैं वो सिखाते हैं भाई सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा लगाया हरियाणा पुलिस में,
भाई उस तरीके से काम करना है। उसके बाद फिर जेल में पोस्टिंग हो जाती है जैसे जवानों की, उसमें फिर जैसे हमारे अफसर हैं हमीद अक्सर साहब आईपीएस जिला अम्बाला, इनके प्रेरणा लेते हुए ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं। महीने में एक बार जैसे मीटिंग होती है सर, उन्हें बताते हैं, उनकी मद्देनज़र करते हुए फिर उनको जैसे लवारिस है जैसे काम करते रहते हैं। ये तो पहला वीडियो, इससे पहले तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वैसे कर अभी नब्स में, कभी हमने सोचा नहीं नेकी की, जैसे भी नेकी कर दरिया में गिर। अब डिपार्टमेंट ने भी आपको सम्मानित किया है, बड़ी जो हमारे श्री हमीद अख्तर साहब आईपीएस जिला अम्बाला ने सराहनीय कार्य को देखते हुए सम्मानित किया है, उसको दिल से तहे दिल से सलूट, सब दिल से धन्यवाद है सर। इससे ना जैसे हरियाणा पुलिस की छवि या कोई भी अपने ऑल इंडिया पुलिस की छवि खराब गिरती देखी जा रही है, उसी को काफ़ी लोगों ने बड़ा महसूस किया है भाई, इस देख के ना बड़ा अच्छा लगा सभी को भाई, ये काम सभी ने करना चाहिए। ये तो लोगों का नज़रिया है भाई, पुलिस को किस नज़र से देखते हैं भाई, अच्छी नज़र से देखते हैं या बुरी नज़र से, ये तो लोगों का नज़रिया सर। लेकिन बिल्कुल सुखबीर जी हैं इन इस तरह के कर्मचारी जो हैं उन्हीं की वजह से पुलिस की जो हम ये कहेंगे कि रिस्पेक्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एसएसपी हामिद अख्तर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पुलिस के जवानों का ये वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने रिवार्ड किया है, क्या कहेंगे? एक मानवीय जो चीज़ें होती हैं, जो जनरली एक एक्सपेक्टेड चीज़ होती है कि अगर सरकारी मुलाजिम है इवन वो ड्यूटी भी कर रहा है तो उसकी नज़र होनी चाहिए कि भाई अगर कोई ज़रूरतमंद कोई है उसकी नज़रों के सामने आ रहा है तो उसकी मदद करें। तो उस चीज़ के ये मिसाल हैं, एक इंसानियत दिखाई है इन्होंने और उसी की वजह से आज हमने सम्मानित भी किया। लोगों का जो प्यार इनको मिल रहा है उसे चीज़ की वजह से मिल रहा है, एक भावना जो है, जो ये कह रहे थे कि ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है और बेसिकली जो मोटो है हमारा सेवा सुरक्षा सहयोग का, जो इन्होंने हवलदार जो सुपीर हैं जो इन्होंने बताया, जो आत्मसात इन्होंने किया है अपने ट्रेनिंग टाइम में, उसको आज बखूबी इन्होंने प्रैक्टिकली जो है ज़मीन पे करके दिखाया है। तो मैं बधाई देता हूँ दोनों मुलाजिमों को और एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी पहल है इनकी तरफ से ये। और सबसे पहले तो अम्बाला पुलिस की तरफ से इनको बधाई देता हूँ, हरियाणा पुलिस की तरफ से इनको बधाई देता हूँ कि लोगों के दिलों को जीतने में ये कामयाब हुए हैं, आगे भी अच्छा काम करते रहें मैं यही कामना करता हूँ। और प्रोत्साहित तो हर कोई करता है लेकिन प्रैक्टिकली उसको फील्ड में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसको इन्होंने अंजाम दिया है, तो बधाई के पात्र हैं और होपफुली आगे भी ये इस तरह के काम जो है करते रहेंगे और प्रेरणा देंगे दूसरे लोगों को। सर, हेडक्वार्टर तक भी सिफारिश भेजी जाएगी इनके लिए? और हेडक्वार्टर के संज्ञान में है ये चीज़ें, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई हैं हेडक्वार्टर के भी संज्ञान में है, हमारे तरफ से भी रिकमेंडेशन जो है वो मैं करूँगा इनके लिए ताकि इनको प्रॉपर सम्मानित किया जा सके। सर, पुलिस की छवि की भी सुखबीर जी ने बात की, क्या कितना इम्पैक्ट पड़ता है छवि पर इस तरह के कार्य अगर पुलिस करती है? देखिए, एक मानवीय चेहरा जो है वो हर डिपार्टमेंट का अपना होना चाहिए और सोशल वर्क जो है वो हर को करना चाहिए, वो कोई बंदिश नहीं है, वो हम ओपन हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन जनरली ड्यूटी की पाबंदियां इतनी होती हैं कि हम नहीं सोच पाते उस चीज़ को, हमें थोड़ा उससे ऊपर उठ के सोचना चाहिए। तो वही है कि उससे ऊपर उठ के एक अच्छा काम इन्होंने किया है और मैं सभी मुलाजिमों से भी अपील करूँगा कि जो छवि है पुलिस की, ड्यूटी तो हम करते ही हैं, उसमें दोनों एंगल हैं, कहीं हमारी कुछ कोताहियाँ रह जाती हैं, कहीं हम सक्सेसफुली अंजाम अपने ड्यूटी को देते हैं, लेकिन इस तरह के काम से लोगों को दिल जीतना आसान होता है और अच्छा होता है, एक एक अट्रैक्टिव चीज़ है और ये चीज़ें करनी चाहिए हमें। और इससे जो आने वाली पीढ़ी है और जो यंग बच्चे हैं वो सीखते हैं, जो एस्पायर करते हैं कि हाँ हम भी कांस्टेबल बनेंगे, हम भी अधिकारी बनेंगे, और पुलिस से जिनको लगाव होता है कि हाँ पुलिस पर्सनल उसको ज्वाइन करना चाहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, तो उनके लिए एक अच्छा काम जो है ये दर्शाता है। तो अच्छा है, एक इंस्पिरेशनल काम है इनका और अच्छा है, पुलिस की छवि सुधारने में बहुत ही सहयोग करेगा ये काम इनका। और मैं अपील करूँगा हर मुलाजिम से कि वो इस तरह के कृत्य को करें। वो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल सेवा सुरक्षा और सहयोग का जो नारा है वो सुखबीर और ओमपाल जी ने पूरी तरह से साकार किया है और आज इनकी मेहनत जो है और इन्होंने जो इंसानियत की मिसाल कायम की थी उसको अम्बाला के पुलिस डिपार्टमेंट ने भी सराहा है और वीडियो के जरिए हर किसी ने इनकी जमकर सराहना की है, सभी ने दिल खोल कर इन जवानों की जो तारीफ है वो की है और उसी का नतीजा जो है वो देखने को मिल रहा है। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपडेट लगातार देते रहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ की मुहिम सी
पैप और बाई पैप मिनी वेंटिलेटर डोनेट करने की मुहिम। समृद्ध समाज सेवी लोग आगे आए और दिए गए नंबर 9315348688 पर संपर्क करें।